अब आपको हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये है हमारे बंबई में, आप लोग शायद इस फैशन स्टोर में गए भी होंगे या सुना होगा आपने, इसका नाम है जारा। मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में ये इतना ज्यादा फेमस है, इसके बहुत से ब्रांचेस भी हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, आप एक अंदाजा, एक गेस्टिमेट जिसको बोलते हैं, कि ये जो आउटलेट है इनका, एक आउटलेट बॉम्बे में, इसका मंथली रेंट कितना होगा? इस फैशन स्टोर का, जारा फैशन स्टोर का मंथली रेंट कितना होगा? ये मंथली रेंटल बेसिस पर है, एक अंदाजा, वाइल्ड गेस, 1 लाख क्या? 2.5 करोड़ मंथली रेंट। बहुत एब्सोल्यूट साइलेंस में चले गए आप लोग। 2.5 crore इज द मंथली रेंट ऑफ दिस वन स्टोर। तो आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि हाल ही में बॉलीवुड के एक भूतपूर्व एक्टर ऋषि कपूर इस जारा स्टोर में गए थे, और इस, अभी सोचो कि यदि कोई 2.5 करोड़ मंथली रेंट दे रहा है इस फैशन स्टोर का, तो कितना कमाता होगा? ऑब्वियसली कितना कमाता होगा कि वो हिम्मत कर सकता है ऐसा रेंट देने का। तो यहां पर जो टॉप सबसे ब्रांड्स फैशन के, जो कि लाखों और कई तो करोड़ों में बिकते हैं, ऐसे फैशन ब्रांड्स, तो ऋषि कपूर हाल ही में उन्होंने जाकर देखा और उन्होंने फोटो खींची, और फिर उन्होंने ये फोटो, उन्होंने एक पर्टिकुलर लेटेस्ट फैशन जो इस जारा स्टोर में वो लोग बेच रहे हैं, वो उसने दिखाया। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। कौन सी दुकान में बिक रहा है ये, जिसका मंथली रेंटल है 2.5 crore, और कौन खरीदता है इसको? तारदेव के भिखारी नहीं, बंबई के भिखारी नहीं, उनके पास भी सिले हुए कपड़े होते हैं। दिस इज द लेटेस्ट फैशन, ये सब कुछ बिक रहा है। इसलिए ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, इसलिए मैंने इसको नाम दिया जरा सोचो। जरा सोचो नहीं, जरा सोचो। तो उसने, ऋषि कपूर ने ट्वीट क्या किया, बाय टू गेट वन बेगिंग बॉल फ्री सेल एट जारास। इसलिए ऑस्कर वाइल्ड इस राइटर ने कहा फैशन के बारे में, ह्यूमन, हम लोग जो इतना फैशन के पीछे पागल हैं मनुष्य, तो ऑस्कर वाइल्ड ने फैशन के विषय में कहा है, फैशन नाउडेज इज दैट फॉर्म ऑफ अग्लीनेस, फैशन नाउडेज इज दैट फॉर्म ऑफ अग्लीनेस सो इनटॉलरेबल दैट वी हैव टू चेंज एवरी 6 months। बाद में समझ लेना आप। तो अब क्या कहोगे इसको आप, कि हम लोग ऑलरेडी जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है उसको हम और कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसलिए ये बंदा और इसकी माई, हम दोनों को नमस्कार करते हैं और इसके नाई को भी। मतलब ये औरत की फोटो देखने के बाद मुझे इतना रिलीफ हुआ, मैंने जब प्रिपेयर करते समय अपने आप को आईने में देखा तो आई फेल्ट सो रिलीव्ड, वाओ, कृष्णा सेव्ड मी।
तो एक तरफ है फाइव स्टार होटल जिसको हम कहते हैं, आलिशान, इसके अंदर स्वीट्स होते हैं, जहां पर ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, और एक तरफ है ये वाला होटल, इसमें कितने स्टार्स हैं? 5 बिलियन स्टार होटल। कहां रहना पसंद करेंगे? एक तरफ है 5 स्टार होटल और एक तरफ है 5 बिलियन स्टार होटल। इसलिए मैं कहता हूं, रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वही रोटी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना वो बहुत बड़ी बात है आजकल।